आखिर कब तक इम्तिहान देना पड़ेगा मुझे भगवान, कब तक? क्या मैं अपनी जिंदगी कभी चैन से जी पाऊंगी या यूं ही भटकती रहूंगी जिंदगी भर? ये सब बंटवारे के टाइम पे अपने घर वालों से बिछड़े हुए हैं। धन्यवाद बेटा इन्हें यहाँ लाने के लिए, लेकिन ये तुम्हें मिले कहाँ? ये मुझे पास वाले मंदिर में मिले, तो मैंने सोचा यहाँ अस्पताल ले आना ही इनके लिए सही होगा। दरअसल इन्हें बंटवारे के समय यहाँ लाया गया था। पता नहीं हर वक्त क्या तलाश करते रहते हैं, और तो और ये बोल भी नहीं पाते, बस जब भी मौका मिलता है भाग जाते हैं यहाँ से। वो अनारकली बाजार में सब ठीक है ना? मुझे बेबे के लिए सूट खरीदना है, वहां से पैसा खींचो आने वाली है। आजादी मिलते ही लाला रतन किशोर सानी लाहौर के चप्पे चप्पे को ऐसे सजाएगा जैसे दिवाली ईद हो, और फिर हम दोनों यार एक साथ ऐसे पंगड़ा पाएंगे कि पंजाब की पूरी धरती खुशी से हिल जाएगी। बताओ ना मुझे, बताओ ना। आहो जी, अनारकली बाजार भी एकदम वैसा ही है और उतना ही सजेगा इस बार भी।
जैसा हर बैसाखी पर सचता है। वो हुसैन की हट्टी पे गरमा गरम समोसे तो मिलते रहे ना। जी वो राधे की जलेबी और अशरफ के दही भल्ले भी एकदम वैसे ही है। वो राम दयाल चुन्नी रंगने वाला वहीं उसी गली की मोड़ पर बैठा है। वो सरकू पापड़ वड़ियों वाला भी वहीं अपनी मांझी बैठाकर बैठा है धूप में। और और लाला जी भी है अपने मसाले और मेवे की हट्टी पे अपनी अपनी पग सजाकर बैठे हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.